प्रसव हो गया, और प्रसव के बाद दूसरा जो टॉपिक था वो दूध स्रवण था, लैक्टेशन था, वो भी हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भावधि के बारे में, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। ये गेस्टेशन पीरियड से एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में यहाँ से रहता है, इनको हम लोग देखेंगे। निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक की जो प्रक्रिया है और जो अवधि है, उस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भावधि बोलते हैं। मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो निषेचन से लेकर के जब तक शिशु का डिलीवरी ना हो जाए उससे पहले तक का जो अवधि होता है उनको क्या बोलते हैं, हम लोग गर्भावधि बोलते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो आइए कुछ जंतु हम लोग गर्भावधि देखेंगे, गेस्टेशन पीरियड को देखेंगे। हाथी जो हो गया 624 से 634 दिन हो जाएगा, ऊंट हो गया 400, गाय 280 दिन, मनुष्य 266 दिन, बिल्ली 58 से 65 दिन, कुत्ता 60 से 65, चूहा 21 दिन और सुअर 115 दिन, भैंस जो है 315 दिन और चीता 95 दिन के आसपास, घोड़ा 465, गधा 365 और बंदर 165 से 187 दिन और बकरी 111 दिन, गिलहरी 21 दिन। ये सभी था गेस्टेशन पीरियड के बारे में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इनको अच्छे से याद करेंगे।